तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग में। और आज है हम अमृतसर और हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल। आप लोग पीछे देख सकते हो, हम लोग गोल्डन टेंपल पे हैं और अभी हम लोग अंदर ही जाने वाले हैं। और देखते हैं, लाइक मेरा फर्स्ट टाइम है, आई थिंक काफ़ी बचपन में आया था मैं गोल्डन टेम्पल और आज काफ़ी सालों बाद यहाँ आया हूँ। तो यहाँ माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अंदर चलते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले जलियांवाला बाग जाएंगे, उसके बाद में गोल्डन टेंपल चलेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह बराबर बराबर में। वो लोग अभी ये लोग एक्सप्लोर करके आ रहे हैं वहाँ पे कि कैसे कैसे जाना है, लाइक वही होते हैं ना वहाँ टूरिस्ट टाइप के, लाइक घुमाने के लिए। तो उन लोगों से बात करके आ रहे थे लोग, गाने भी चल रहे हैं, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं। सो चलते हैं, व्हाट अ सॉन्ग है। तो मातरम जय मातरम। तो हेयर वी आर एट जलियांवाला बाग और यार काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे कुआ है, लाइक जब वो गोलियाँ वगैरह फायरिंग का कुछ सीन था तो जिसमें कूदे थे, तो वो वाला अभी कुआ देखने जाएंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार घूमने में, हाँ एक्सप्लोर करने के लिए। ये उससे ज़्यादा बेस्ट जगह मैं बोलूँगा जितने हम कल परसों में गए थे। या यहाँ पर आप लोग ज़रूर आओ गोल्डन टेम्पल एक बार। सो अभी और अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जल्दी वन से और यहाँ से सीधे सीधे हम अंदर चलते चले जाएंगे। ये देखो फर्स्ट ये जो है ना, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह यहाँ पे पूरा गाइडेंस दिया हुआ है कि किस तरीके से हम जलियांवाला बाग के अंदर घूम सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे लाइक किस तरीके से चल रहा है, लाइक कैसे कैसे हुआ था। यहाँ पे लाइक फुल स्क्रीन पर्दा भी लगा हुआ है। वाओ, तो अभी अपन लोग अब चल रहे हैं अंदर थिएटर में। तो थिएटर में शायद यहाँ पे मूवी चल रही है। और यहाँ पे लाइक चेयर्स पड़ी हुई है। चलो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अभी हम लोग गैलरी 2 के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे गैलरी वाइज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि हम लोगों ने चार्ट देखा था। गैलरी के अंदर भी लाइक पार्टीशन है, हॉल 1 हॉल 2 और But these celebrations too were looked upon by the British as conspiratorial meetings. The news of stopping Gandhi's entry to Punjab spread like wildfire, leading to demonstrations demanding the removal of the Red Hat. Punjab, Ramdas, Dhuni Chand, and others for promoting Hindu-Muslim unity to oppose the British. This was something which the British could never tolerate for their very existence.
तो यहाँ पे वो कुआ है जहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी थी 1919 में। कुएं को हम अंदर दिखा नहीं सकते क्योंकि बादशाह लग रहा है यहाँ पूरा ऊपर, और इतना ऊपर हाथ देंगे तो हम अपने फोन की कुर्बानी दे सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आई होप आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे यार काफ़ी अच्छे अच्छे लाइक देशभक्ति वाले सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील दे रहे हैं। लाइक हाँ लग रहा है कि हाँ कहीं हम घूमने आए हैं अच्छी जगह। तो मैं सुना है हिंदुस्तान की है तो वंदे मातरम। दोस्तों हमें वो दीवार दिख गई है जहाँ पे गोलियाँ बरसाई गई थी, और यहाँ पे स्पॉट किए हुए हैं वो सभी गोलियों के निशान, आप लोग देख सकते हो। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये गोलियों के निशान हैं जो एकदम से छलनी कर दिया गया था सब लोगों को जब यहाँ पे वो अटैक हुआ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गैलरी 3 में। तो हम लोग अब एंटर कर रहे हैं गैलरी 4 के अंदर, और ये एग्जिट के पास है जहाँ हीटर्स भी लगे हुए हैं। लाइक काफ़ी गर्मी है क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड हो रही है, और यहाँ पे भी लाइक एयर फ्यूजर चल रहा है। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था, इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए, और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी। तो सामने अमर ज्योति है, यहाँ पे ज्योति चल रही है, गैलरी 4 के जस्ट बराबर में है ये। तो अब अपन लोग यहाँ से बाहर चल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, और फिर थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, और फिर चलेंगे गोल्डन टेम्पल। फिर गोल्डन टेम्पल को भी एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, और यार यहीं से देख सकते हो लाइक कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में, और अंदर जाके तो इसकी खूबसूरती का कुछ तोड़ ही नहीं है, और आज इसकी खूबसूरती को ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और आप नीचे भी देख सकते हो लाइक इस तरीके से बना हुआ है। अभी हम अंदर ही जाने वाले हैं, अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करते हैं। पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हाथ धो लिए थे हमने, और यहाँ पे इसमें होकर में जाना होता है जिससे हमारे पैर जो है लाइक साफ़ हो जाते हैं जो भी गंदा हो रहा होता है। तो हम लोग अभी गोल्डन टेम्पल के अंदर हैं, और ये रहा पीछे गोल्डन टेम्पल, और यहाँ बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है। और अभी हम लोग प्रसाद भी लेंगे, पर उससे पहले उन्होंने बोला पहले आप मत्था टेक लो उसके बाद आप प्रसाद वगैरह ले लेना। और यार काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, तो शायद 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा हमको अंदर दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर देखते हैं जैसा जितना टाइम लगता है जितने भी बजे फ्री होते हैं। खाना वाना हमने खा लिया था, पर मैं शूट करना भूल गया क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा लाइक कोल्ड हो रखा है मेरे को। फीवर भी था बट दवाई वगैरह से ठीक हो गया, बट कोल्ड काफ़ी है और वो रहते ही है 3-4 दिन। तो अभी फिर सारे प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, और आप भी अगर कहीं लोग विजिट कर रहे हो तो आप लोग भी है पूरा प्रिकॉशन लो। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं और देखते हैं। तो यार यहाँ पे इन लोगों का फोटो सेशन चल रहा है, और मेरे को यहाँ पे फोटो से आ रहा है वीडियो में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ लाइक बीच में, और लाइक कैप्चर कर सकता हूँ फोटो, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। और साथ में लाइक आप लोगों को भी व्यू दिख रहा होगा, और यहाँ पे यार पीछे लाइक आप लोगों को लग रहा होगा लाइक गाने वगैरह मतलब भजन चल रहे हैं या जो भी उनको बोलते हैं लाइक पंजाबी में, तो बट यहाँ पे ये रियलिटी में गा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। और यहाँ पे ना अभी पीछे बहुत लंबी लाइन है यार, तो हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा ऑनेस्टली हमको लग रहा है। और यहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं लाइक उधर की साइड में, और चेंजिंग वगैरह का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। और यहाँ पे तो पूरा नहाने के लिए रेलिंग वगैरह भी इतना एरिया है जिसमें आप नहा सकते हो, और ये पूरा अंदर झील है। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर आगे बढ़ के आपसे बात करते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं अंदर,
गुरुद्वारे के। कौन सा वाला है? कौन सा है? इधर से चलो, इधर इधर गोल्डन टेंपल में हमको यहाँ पे एक मछली मिली है, राइट? और देख सकते हो गोल्डन टेंपल में हमको भी ये मछली है, काफी प्यारी लग रही है। तो हम लोग फिलहाल अभी गोल्डन टेंपल के म्यूजियम के अंदर हैं, लाइक इसी तरीके से ये पूरा म्यूजियम है ऊपर बना हुआ। यार जाते जाते हमको ना यहाँ पे काफ़ी सारी और मछलियाँ देखने को मिल गई रंग बिरंगी। यार देखो कितनी प्यारी लग रही है। और यार हाँ जी, तो जब से हम लोग यहाँ पे आए थे अमृतसर में गोल्डन टेंपल के लिए, तब से उसका पीछे पड़ा रहा था 5 रुपए की पेप्सी के लिए। तो यहाँ पे क्या सीन है, लाइक जो 12 रुपए की पेप्सी होती है ना वो आपको यहाँ 5 रुपए में मिल जाती है। तो यही है वो लड़का जिसको 5 रुपए की पेप्सी पीनी थी, और फाइनली हम लोगों ने ढूंढ लिया 5 रुपए की पेप्सी जो मिलती है यहाँ पे। आप सामने देख सकते हो, वहाँ दिख रहा है बड़ा बड़ा 2 रुपए मिल गई, 5 रुपए में यहाँ पेप्सी मिल रही है। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं लाइक क्या प्रोसीजर है, कैसे है। तो यहाँ पे 6 रुपए की कोको कोला है और सामने 5 रुपए की पेप्सी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 रुपए की कोको कोला, 6 रुपए और सामने 5 रुपए की पेप्सी। तो यहाँ पे भैया दे रहे हैं फिलहाल, उधर तो मना कर दिया था, बोले 1 घंटे बाद मिलेगी। क्या हुआ, 2 रुपए चाहिए खुले? अब तो सिर्फ 4 हैं क्या? अच्छा, तो 6 की है ना, अच्छा 2 ले रहा है। कितना खुश है ये बंदा पेप्सी लेते हुए सॉरी कोको कोला। पेप्सी वालों ने मना कर दिया, बोले 1 घंटे बाद मिलेगी। कौन सी ले रहा भाई, इधर से बता दे, हम भी पी लेंगे। तो एक लिया इसने माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करते हैं, अच्छा स्प्राइट ले ली, और एक कोको कोला, एक स्प्राइट और एक कोको कोला। चीयर्स फॉर उत्कर्ष। अरे पी भी ली, मतलब कोई और पीना ले भाई, और भी मिल जाएगी। 2 बोतल ले कौन लेंगे अभी, खत्म बस तो बोलने थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पीओ पियो। कैसी है ऑरेंज टेस्ट? ये पानी में लगा। शी दिस गाय, शी दिस बुलशिट बुलशिट गाय। तो गुरुद्वारे के बाहर ही यहाँ पे गन्ने का रस का प्रसाद बट रहा है यहाँ पे फ्री में। तो अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो यहाँ पे गन्ने का रस भी है, और इधर पूरा मार्केट है। और हम लोग यार अब काफ़ी घूम चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं, तो वापस निकल रहे हैं अपने लॉगेट के लिए। तो अब वहीं पहुँच के आपसे बात होगी, चलिए चलते हैं।